आपे टैक्सी नहर में गिरी एक की हुई मौत और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। महोकंड थाना क्षेत्र के पास मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र के ग्राम कैथोकर में आपे टैक्सी में सवार होकर एक वृद्ध अपनी पत्नी के साथ हरपालपुर के लिए जा रहे थे, तभी वह स्टैंड पर आपे टैक्सी में बैठे। जैसे ही आपे चालक ने आपे को रस्सी के सहारे स्टार्ट किया, तभी अचानक आपे में गैर लग जाने की वजह से आपे सीधा लहचूरा नहर में जा गिरा, जिससे नहर में काफी गहराई और पानी होने की वजह से आपे नहर में डूब गया और टैक्सी में बैठे हुए कामता प्रसाद पुत्र दस्सी उम्र 70 वर्ष की नहर में डूबने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं साथ में पत्नी सरस्वती रैकवार उम्र 60 वर्ष जो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे थाना महूबकंड प्रभारी और डायल 112 प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से घायल वृद्ध महिला को पनवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है और हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से महोबा रेफर किया गया। आपे चालक ने जैसे ही आपे स्टार्ट किया, तभी अचानक से आपे में गैर पकड़ने से आए आपे स्पीड के साथ नहर में चला गया। वहीं आसपास बैठे लोगों के द्वारा इसकी सूचना तुरंत महोबकंड थाना को दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बचाव कार्य के साथ गंभीर घायल महिला को डायल 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी पहुंचाया और मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये जो 1:10 पे हमें सूचना मिली है तो लहचूरा बांध में एक टेम्पू पलट गया है, तो हम लोग मौका पे गए तो वहाँ एक कामता नाम का व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है और उनकी पत्नी थी, वहीं से उनको हम लेके चले आए हैं और मौके पे इंस्पेक्टर महोबकंड मौजूद हैं। सूचना ये वहीं से इवेंट आया था, सूचना सूचना क्या रहा है, सूचना मिली है? सूचना वहीं के कर्मचारी थे जो बांध वाले। नाम क्या था? ब्रजलाल, हेड कांस्टेबल ब्रजलाल, PRB 1268।